Vighnaharta Shri Ganesha, Shri Ganesha, Shri Ganesha. संसार सर्वश्री चरंद्र के अधीन होगा, सर्वत्र गूंजेगा एक ही मंत्र, ओम चरंद्राय नमः, ओम चरंद्राय नमः। यत्र तत्र सर्वत्र मेरा ही आधिपत्य होगा। अब मेरे प्रिय बलश्रेष्ठ महान है, सर्वश्रेष्ठ है, सर्वोत्तम है, भगवान है आप। अनंत काल से समस्त ब्रह्मांड में कैलाश तो एक ही है और एक ही हो सकता है, फिर ये एक अन्य कैलाश उत्पन्न करने का इतना बड़ा दुस्साहस किसने किया? कौन है जिसे अपने अंत की भी चिंता नहीं? अंत नहीं भैया, ये तो आरंभ है उस विपदा का जिसकी चेतावनी फूफा जी ब्रह्मदेव और ऋषि अगस्त्य ने दी थी। आश्चर्य है, स्वामी तो सर्वज्ञानी, भूत वर्तमान भविष्य कुछ भी उनसे छिपा नहीं। संकट समक्ष ये अवश्य ज्ञात होगा उन्हें, तब वो इतने शांत क्यों है? आनंद आएगा जब सभी देवता मेरा नमन मेरा अभिवादन करने के लिए विवश हो जाएंगे। कैलाश का ये प्रतिरूप बाहर से तो उसके समान ही है, किंतु भीतर ऐसी भड़कीली चमक, आश्चर्य है। भक्ति और शक्ति के निवास का प्रतीक है कैलाश, विलासिता का कोई स्थान नहीं है कैलाश की पावन भूमि में। अब तो ये घटना और विचित्र रूप ले रही है, इतने विभत्स कैलाश का निर्माण कौन कर सकता है? इस घटना ने तो मुझे चिंता में डाल दिया है, इतना तो साहस, कैलाश के समक्ष उसके प्रतिरूप का निर्माण कर लिया है किसी ने। कैलाश एक दूसरे के समक्ष, असंभव। ये हो क्या रहा है? इंद्रदेव, ये जो हो रहा है ये उचित नहीं है, हमें यथाशीघ्र वहां जाकर इसका कारण ज्ञात करना चाहिए। सूर्यदेव उचित कह रहे हैं देवराज, मुझे किसी बड़े अनिष्ट की आशंका हो रही है। हाँ देवराज, हमें अति शीघ्र वहां जाना चाहिए। वास्तविक कैलाश से पूर्णता भिन्न विचित्र है ये कैलाश, किंतु इस दूसरे नवीन कैलाश के पीछे अंततः रहस्य क्या है ये मुझे ज्ञात करना ही होगा। इतना भयानक कौन है ये, और स्वयं को भगवान पुकारने का दुस्साहस कैसे कर रहा है, और ये हमें आशीर्वाद क्यों दे रहा है? मैं हूं जलंधर, तुम सबका वास्तविक भगवान, तुम सबका वास्तविक भगवान, तुम सबका वास्तविक भगवान। सत्य का आवरण क्षणिक देर के लिए तो भ्रमित कर सकता है, किंतु उसका सत्य उजागर हो ही जाता है। तुम भगवान नहीं, तुम तो कोई दुस्साहसी पाखंडी हो जो हमारे प्रभु होने का ढोंग कर रहा है।
दुस्साहस तुम कर रहे हो सूर्यदेव, अपने भगवान जलंधर को पाखंडी बुलाकर। स्वामी, मैंने कहा था ना आपसे कि सभी देवता आपसे भेंट करने अवश्य आएंगे। यही सही समय है, इन्हें अपना परिचय दे दीजिए। बता दीजिए इन्हें कि आप कौन हैं। उचित कह रही हो वृंदा, महादेव नहीं सर्वश्रेष्ठ जलंधर हूं मैं, जलंधर हूं मैं, जलंधर हूं मैं। तुम सबका वास्तविक भगवान, आज से तुम्हारा वास्तविक शिव, और यह है मेरी पत्नी साक्षात शक्ति। जलंधर तो इसी को लेकर प्रथम पूज्य गणेश जी, ब्रह्मदेव और ऋषि अगस्त ने महादेव से अपनी चिंता व्यक्त की थी। और यह वास्तविक कैलाश जो आज तक संसार की दृष्टि से छिपा हुआ था। किसने बनाया इन्हें शिव और शक्ति? ये हो क्या रहा है यहाँ? विश्वास नहीं हो रहा ना तुम्हें, किंतु इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं। उस मायावी शिव ने अपनी शक्ति दिखाकर, अपना क्रोध दिखाकर तुम्हारे मन में भ्रांति उत्पन्न कर दी और तुम उसका विश्वास करने में विवश हो गए, अंधे भक्त बन गए। साधारण देवता हो ना, भूल करना तुम्हारी पहचान है। पुत्र गणेश, यदि जलंधर स्वयं को ईश्वर कहता है तो सत्य ही तो है। प्रिय बलश्रेष्ठ, सभी देवताओं को आदेश देकर उन्हें अपने समक्ष नतमस्तक होने पर विवश कर दीजिए। उचित कहती है वृंदा, मेरे भगवान जलंधर का तिरस्कार करने का तू साहस करे वो तुझ देवता, ये मुझे कदापि स्वीकार नहीं। अब देवताओं को ज्ञात होगा मेरे बलश्रेष्ठ सबसे श्रेष्ठ है, भगवान है, वो समस्त संसार को अपने अधीन करेंगे। जगत पिता है पिताश्री, अच्छे बुरे, देव दानव, यक्ष किन्नर, गंधर्व मनुष्य, सभी चर अचर जीव उनकी संतानें हैं। और जगत पिता तो अपनी सभी संतानों को समान दृष्टि से देखते हैं, इसलिए तो वो सर्वोच्च हैं। किंतु भैया, मुझे आभास हो रहा है कि जलंधर अवश्य कोई बड़ा महासंकट प्रस्तुत करने वाला है। हाँ भैया, हमें उसके प्रति सतर्क रहने की आवश्यकता है। ये क्या आ गया मेरे समक्ष? महादेव का त्रिशूल? किंतु महादेव का त्रिशूल मेरा और मेरे प्रकाश का मार्ग क्यों बाधित कर रहा है? महादेव का नहीं सूर्यदेव, ये तुम्हारे नवीन भगवान सर्वश्रेष्ठ जलंधर का त्रिशूल है। जलंधर? संकट को सामने देख हमें किसी भी प्रकार की शीघ्रता नहीं करनी चाहिए, अपितु सोच विचार कर कोई भी कदम उठाना चाहिए। जलंधर का त्रिशूल तो यहाँ है, किंतु वो स्वयं कहाँ है? क्या हुआ सूर्यदेव? अपने ईश्वर के समक्ष नतमस्तक हुए बिना आगे बढ़ने की दृष्टता क्यों कर रहे हो? दृष्टता मैं नहीं, दृष्टता तो तुम कर रहे हो जलंधर। आ, आ,
सूर्यदेव हूं मैं, पाखंडी ईश्वर के लिए ना ही मैं रुकता हूं और ना ही उसके समक्ष शीश झुकाता हूं। आगे बढ़ो। रुकोगे? अवश्य रुकोगे तुम। तुम्हें रुकने पे विवश कर दूंगा मैं। मेरा पाश बांध लेगा तुम्हें। अनुचित है तुम्हारा ये कृत्य और तुम्हारा ये अटास, जिससे तुम मेरा ही नहीं मेरे प्रभु का भी अपमान कर रहे हो, जो मैं कदापि नहीं सहूंगा। जलंधर, तुम्हारे इन दुर्वचनों का और दुष्कृत का उचित उत्तर दूंगा मैं तुम्हें। उत्तर तो तुम्हें प्राप्त होगा अभी के अभी, जब तुम्हारे सभी वार निरर्थक हो जाएंगे और तुम मेरी प्रभुता स्वीकार करोगे। होंगे जलंधर, मेरी किरणों का ये शक्तिशाली बाण तुम्हें भेद देगा, मिटा देगा तुम्हारा ये ढोंग और दिखा देगा तुम्हें कि सूर्य देव का मार्ग बाधित करने का क्या परिणाम होता है। देवगण, अग्निदेव, वरुण देव, वायुदेव, प्रतीत होता है सूर्यदेव किसी संकट में है। संकट जो भी है, शीघ्र उसका कारण ज्ञात कर उसे दूर करना होगा हमें। प्रतीत होता है कि कोई बहुत बड़ा विघ्न आने वाला है। अब तो प्रथम पूज्य गणेश जी ही इस विघ्न को हट सकते हैं। अब और विलंब नहीं कर सकता, मुझे जाकर देखना ही होगा ताकि मैं उस संकट का समाधान शीघ्र कर सकूं। अहंकार में आकर किसी के कार्य में बाधा डालना अनुचित ही नहीं अपितु पाप का भागी भी बना देता है। इतनी तुच्छ शक्तियों का इतना गर्व तुम्हें कि तुम स्वयं को भगवान से भी समर्थ मानते हो। मेरी ऊर्जा से उत्पन्न मेरे दिव्य बाण से इतनी सरलता से अपना बचाव कैसे कर लिया इसने? ये कैसे हो सकता है, मेरा बाण नष्ट कर दिया इसने। किंतु अब सर्वशक्तिमान भगवान सर्वश्रेष्ठ जलंधर पर वार करने की अपनी इस उद्दंडता का दंड तो तुम्हें भुगतना ही होगा अभी क्या अभी। सभी तुच्छ देवता स्वयं उपस्थित हो गए, बहुत अच्छा किया।
जलंधर प्रसन्न हुआ। मेरे आदेश की समय सीमा समाप्त होने वाली थी, इसीलिए आया होना मेरे शरण में। किंतु सूर्य देव ने मेरे आदेश का उल्लंघन किया, जिसका उचित दंड देकर मैं अभी इसका हक मिटा सकता हूं। किंतु भगवान सर्वश्रेष्ठ जलंधर तुम्हें एक अवसर देता है इंद्रदेव, समझाओ सूर्यदेव को। कितने भी शक्ति का प्रयोग कर ले दोस्त, हमारी आस्था सत्य में है, वो कभी भी असत्य को स्वीकार नहीं कर गई। तुम कुछ भी कर लो दुष्ट जालंधर, हम तुम्हें अपना भगवान कभी नहीं मानेंगे, कभी नहीं। कोई नहीं रोक सकता मुझे, क्योंकि कर्मों का फल तो भगवान ही देते हैं। यदि मुझे पुनः स्वीकार किया तो उसका दुगना दंड भुगतना होगा तुम्हें। भगवान जलंधर और उनकी शक्ति के समक्ष तुम जैसे दुर्बल देवताओं का टिकना असंभव है, और ये जितनी शीघ्र ज्ञात हो जाएगा उतना ही तुम्हारे लिए उचित है। अब आप सभी सुरक्षित हैं। प्रथम पूज्य गणेश जी, हमारी रक्षा करने के लिए आपको अनेकों धन्यवाद। सूर्यदेव, सूर्योदय होना शेष है अभी, अपनी दिनचर्या आरंभ कीजिए आप। उचित है गणेश जी, उचित समय पर आकर आपने मेरा नियम भंग होने से बचा लिया, आपको कोटि कोटि नमन, आपको अनेकों धन्यवाद गणेश जी। अकस्मात आकर देवताओं को हमारे बंधन से मुक्त कराकर ले जा सकता है? असंभव, ये नहीं हो सकता। मैं कदाचित स्वयं का एवं बलश्रेष्ठ का यह अपमान सहन नहीं करूंगी। आज आपकी युक्ति मैंने असफल कर दी जलंधर, अब देखते जाइए, अब जब भी आप ऐसे मूर्खतापूर्ण कार्य करेंगे सदैव आपका सामना मुझसे ही होगा। धर्म की रक्षा के लिए युद्ध में स्वयं की भी क्षति की चिंता नहीं करने वाले ही वीर योद्धा कहलाते हैं। सब यथावत हो गया, सूर्योदय हो गया। सूचना देनी ही होगी कि एक ढोंगी जलंधर नामक असुर स्वयं को भगवान मानकर हम देवताओं को उसकी प्रभुता स्वीकार करने के लिए बलपूर्वक विवश कर रहा है। नहीं, इन देवताओं को कहीं भागने नहीं दूंगा मैं। रुक जाइए, देवताओं का पीछा नहीं कर सकते,
क्योंकि ये देवता कैलाश की ओर भाग रहे हैं। स्मरण कीजिए कि आपको गुरु शुक्राचार्य ने क्या कहा था, आपको कैलाश के निकट और शिव के समक्ष नहीं जाना है, क्योंकि एकमात्र शिव ही है जो आपका वध कर सकते हैं। इसलिए आपको सदैव कैलाश से दूर रहना है बजरंग। आपको कैलाश के निकट और शिव के समक्ष नहीं जाना है, क्योंकि एकमात्र शिव ही है जो आपका वध कर सकते हैं। गणेश हट जाओ मेरे मार्ग से। नहीं भैया, मैं आपको और आगे नहीं जाने दे सकता। मत रोको मुझे, अब मेरा क्रोध इस दुस्साहसी जलंधर को दंडित करके ही शांत होगा। प्रभु, देव सेनापति कार्तिकेय जी तो अत्यंत क्रोधित हैं, वो अपनी गति धीमी नहीं कर रहे हैं, हमें ही उनके मार्ग को छोड़ देना चाहिए। नहीं मूषक जी, हम यही अडिग रहेंगे। भैया को इतने आवेश में यदि जलंधर के पास जाने दिया तो बहुत बड़ा संकट उत्पन्न हो जाएगा। परिणाम जो भी हो उन्हें रोकना ही होगा हमें। भाई से तो मेरी आंखें बंद हो रही हैं। रुक जाइए भैया, आगे मत बढ़िए भैया, अन्यथा अनर्थ हो जाएगा। हट जाओ मेरे मार्ग से गणेश, इस ढोंगी जलंधर को दंडित करके ही रहूंगा मैं। भैया, दंडित तो मैं भी करना चाहता हूँ जलंधर को, और उसके लिए आपके साथ चलने के लिए भी प्रस्तुत हूँ, किंतु प्रत्येक युद्ध परिस्थिति के अनुसार विशेष रणनीति से ही किया जाना चाहिए। उचित है अनुज, किंतु इस जलंधर को उसकी उद्दंडता का दंड देने के लिए हमें किसी विशेष रणनीति की आवश्यकता नहीं है। गणेश, या तो तुम मेरे साथ चलो, अन्यथा हट जाओ मेरे मार्ग से। भैया, पिताश्री की क्रोधाग्नि से उत्पन्न हुआ है जलंधर, इसलिए एकमात्र पिताश्री ही उसका वध कर सकते हैं। स्वयं असुर गुरु शुक्राचार्य ने उन्हें चेतावनी देते हुए बताया था, इसलिए आपका उससे युद्ध करने का कोई लाभ नहीं होगा। समझने का प्रयास कीजिए भैया, रुक जाइए। जलंधर की मूर्खता को तो अस्त्र बनाकर मैं उसी के विरुद्ध प्रयोग करूंगा, किंतु उसके लिए भैया का अपने आवेश को नियंत्रण में रखना आवश्यक है, क्योंकि यदि जलंधर ने संकट भांप लिया तो वो सचेत हो जाएंगे और कदाचित मेरी युक्ति असफल हो जाएगी। प्रिय बलश्रेष्ठ, आप तनिक भी निराश ना हो, आपने उन सभी देवताओं को अपनी शक्ति का परिचय तो दे ही दिया है। मेरा विश्वास कीजिए, बहुत शीघ्र ये सभी देवता आपकी चाटुकारिता करते पाए जाएंगे, आपके सभी आदेशों का पालन चुटकी में करेंगे। अरे वाह, वृंदा ने चुटकी बजाई और सभी देव भय खाकर आ भी गए। तो अंततः देवताओं को बात समझ में आ ही गई कि उनका हित यही है मेरे बलश्रेष्ठ के समक्ष। बुद्धिमान वही होते हैं जो परिस्थिति को भांप कर युक्ति से समस्या का हल निकालते हैं। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.